बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों 19 दिसंबर 2021, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो है ना इसकी अभी भराई करनी है, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीवेटर आ चुका है, भराई हो रही है। इस तरफ जो मट्टी रखी हुई थी ये वाली डाल चुके हैं अंदर, ये वाली सही है, ये वाली भी डाल दी है। अभी वो बैक साइड वाली वो डाल रहे हैं एक्सीवेटर से ना। और दोस्तों इसका जो है ना आज मतलब वो बराबर वाले प्लॉट की भी वो मार्किंग हो चुकी है खड्डों की ना, बेस की और उसकी टैंक की, अंडरग्राउंड टैंक की कहाँ कहाँ पर आ रहा है हमारा टैंक और वो बेस। तो आज जो है ना ये एक्सीवेटर डबल काम कर देगा, मतलब ये मट्टी भी जो है ना डाल के चला जाएगा, ये बराबर में भी मट्टी रखी हुई ये भी डालनी है अंदर, सही है। और वो वाले टैंक भी जो है ना बराबर वाले प्लॉट के, वो वाले टैंक भी खोद के चला जाएगा। 120 गज के चार प्लॉट हैं ये, 90 फीट ऐसे है लेंथ में, 90 फीट और 50 ऐसे, 50 ऐसे है ना, 25-45 का एक प्लॉट है ये। दोस्तों ये मट्टी में जो है ना इसमें पत्थर है काफ़ी ना बड़े बड़े, देखें मट्टी चार पांच किस्म की होती है, भालू मट्टी भी डाली जाती है ना इसमें भराई के वक्त। तो ऐसे है कि ये जो पत्थर वाली मट्टी हो ना इसमें फिर इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि पत्थर जो है ना डायरेक्टली आपके कॉलम पर ना लगाए, वो मतलब जो है ना आपके कॉलम के पास नहीं फेंके पिलर। ये एक्सीवेटर वाले को उधर ज़रा ना ध्यान से, जैसे ये देख रहे हैं ये बड़े वाले पत्थर रखे हैं ये वाले, तो ये मैंने इसे कहा था कि जो है ना इसको डायरेक्टली पत्थर उसके ऊपर नहीं फेंक देना पिलर के ऊपर ना, उससे हमारा पिलर या ये टंकी की वॉल जो है ना वो क्रैक होने का खतरा होता है, क्योंकि पत्थर है ना बहुत हैवी है ये, तो उसको ना आराम से इजीली डाल दे किसी खाली जगह पर जैसे ये उन्होंने डाले हैं अभी। दोस्तों मट्टी डाल रहे हैं एक्सीवेटर। अच्छा दोस्तों ये मट्टी का जो है ना लेवल, जैसे ये हमारा कॉलम है ना, कॉलम मतलब पेटी, ठीक है, ये वाटर लेवल से ना एक लेवल में आए हुए हैं सब, एक लेवल पे निशान लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा ये पेटी का लेवल था ना, अभी इससे 2 फीट ऊपर जो है ना हमारा बीम आएगा, प्लिंथ बीम, ठीक है, इससे 2 फीट ऊपर मतलब हमारा जो टॉप वो फर्श का लेवल आएगा ना वो इससे 2 फीट ऊपर रहेगा। तो अभी मट्टी जो है ना हमें इसके बराबर करनी होगी, ठीक है। अगर इससे मतलब नीचे रहेगी तो फिर वो बीम के लिए बॉटम लगाना पड़ेगा, लकड़ी का जो बॉटम होता है ना, लेकिन अगर इसके बराबर कर लेंगे ना फिर वो सोलिंग डाल कर ना पहले वो कच्चा कर देंगे, कच्चे से इस पर मार्किंग कर देंगे प्लिंथ की, ताकि जो है ना हमारी लाइन स्ट्रेट जाए, सीधी जाए। दोस्तों अभी जो है ना फिलहाल इसकी मट्टी कंप्लीट करवा रहे हैं, पहले जो है ना इसकी मट्टी भराई हो जाएगी, फिर जो है ना इसकी खुदाई करवा लेंगे ये बराबर वाले प्लॉट की। दोस्तों ये देखें यहाँ से ना मट्टी उठा ली है ना इसी वजह से, ताकि जब इसकी जब खुदाई होगी ना टैंक की और बेसों की, तो वो वाली मट्टी ना यहाँ पर डाल ली जाएगी, ऐसे वो वाला जो आखिरी वाला टैंक है उसकी मट्टी जो है ना वो बाहर डाल लेंगे कॉर्नर पर।